मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुराने टॉपिक को नया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। पुराना टॉपिक क्या है? मैटर वेव्स। और मैटर वेव्स में हमने कुछ बातें आपको बताई थी कि और कहा था कि इसका खुलासा बाद में होगा। क्या बातें थी? एक तो ये कि जो मैटर वेव लगी होती है वो माइक्रो पार्टिकल के साथ नहीं लगी होती है, केवल माइक्रो पार्टिकल के साथ मैटर वेव लगी होती है। पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है कि माइक्रो पार्टिकल में भी उन माइक्रो पार्टिकल के साथ मैटर वेव लगी होती है। किन माइक्रो पार्टिकल के साथ? जो मोशन में है, रेस्ट माइक्रो पार्टिकल के साथ नहीं लगी होती है। जो माइक्रो पार्टिकल रेस्ट में है उनके साथ नहीं मैटर वेव लगी होती है। तो इन दोनों क्वेश्चन का खुलासा आज होने वाला है। ठीक, आज वो सुबह घड़ी आ गई है और इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स पढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में। तो छोटा सा लेक्चर है, पहले हम लोग शुरू करते हैं ये जानते हुए कि मैटर वेव्स पार्टिकल के साथ लगे हैं। लेकिन ये क्लियर करना है कि मैटर वेव्स माइक्रो पार्टिकल के साथ क्यों नहीं लगी है। तो हमारा क्वेश्चन यही हो जाएगा पहला, व्हाई मैटर वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद माइक्रो पार्टिकल्स। दो होते ना, एक मैक्रो एक माइक्रो। माइक्रो मीन्स जो पार्टिकल्स हमको डायरेक्टली दिखाई पड़ते हैं, जैसे बॉल हो गया, आपने पत्थर फेंक के मारा, किसी का सर फूट गया, ऐसा मत करना। और बड़ी बॉडीज जो हमें दिखाई पड़ रही है डायरेक्टली, वो मैक्रो। और जो डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैस मॉलिक्यूल्स, मन और आत्मा, ये सब क्या है? माइक्रो। ठीक है, तो हमें चेक क्या करना है कि मैटर वेव या डी ब्रॉग्लीज मैटर वेव माइक्रो पार्टिकल के साथ नहीं एसोसिएटेड है। तो कैसे पता चलेगा? हम लोग डी ब्रॉग्ली के फार्मूले से वेवलेंथ निकालेंगे और वेवलेंथ की वो वैल्यू क्या होगी? थियोरेटिकल वैल्यू। दो चीजें होती है, एक थियोरेटिकल और एक एक्सपेरिमेंटल। तो थ्योरेटिकल तो अलग बात हो गई, काम वो हो आता है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता है। मुंह से कहना तो अलग बात हो गया, लेकिन जीवन उससे चलता है जिसको आप कर पाए। मुंह से बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो थ्योरेटिकल बात वो हो गई जो वैल्यू से आएंगी, लेकिन काम क्या आएगा? एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आती है। तो जो थ्योरेटिकली हमारा वैल्यू पुट करने के बाद डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ आएगा, हम चेक करेंगे क्या ये एक्सपेरिमेंटली भी सही है कि नहीं। और अगर एक्सपेरिमेंटली सही है तो हम मान लेंगे हाँ ऐसा है, और नहीं सही है, ठीक है, तो मानेंगे नहीं, हम अपनी बात वापस लेते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन में एक और भी हम ऐड कर दे रहे हैं, क्यों? व्हाई मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद माइक्रो पार्टिकल्स ओनली। और अभी इस क्वेश्चन को भी हम मॉडिफाई आज ही करेंगे कि माइक्रो पार्टिकल भी ऐसा वैसा नहीं, रेस्ट में नहीं होगा, मोशन में होगा। तो लेकिन अभी ये मैक्रो और माइक्रो में क्लियर कर लें। तो चलो माइक्रो पार्टिकल को मानते हुए हम चेक करते हैं कि डी ब्रॉग्लीज वेवलेंथ माइक्रो पार्टिकल के साथ क्यों नहीं एसोसिएटेड होगा, क्यों नहीं लगा होगा। ठीक है, तो पहले हम माइक्रो बॉडीज में शुरू करते हैं, बड़ी बॉडीज से, धरती मैया से ही शुरू करते हैं, अर्थ से। ठीक है, फॉर अर्थ या कंसीडर अर्थ। तो कंसीडर अर्थ नहीं लिखेंगे, फॉर अर्थ, अर्थ के बारे में चेक कर लें हम, इस धरती पे हम निवास करते हैं। और अर्थ मास m क्या है? अर्थ का मास होता है 6 × 10^24 kg। एंड अर्थ की वेलोसिटी क्या है? कौन सी वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहां हम मॉडिफाई कर दें, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ
जिस वेलोसिटी से अर्थ सन के अराउंड चलती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या है? वी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वैसे 3 × 10⁴, 3.1 होता है, बट हम अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के मान रहे हैं 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। और मास और वेलोसिटी पता हो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला हमको पता है, क्या? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी। तो देयरफॉर इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा? देयरफॉर इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा हुआ एच अपॉन एमवी। वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो लैम्डा क्या हुआ? एच की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 × 10⁴। अर्थ का मास जो यहां लिखा हुआ है 6 × 10⁴, और वेलोसिटी अर्थ की है 3 × 10⁴। ये इतनी वैल्यूज आप पुट करिए। ओके, तो अब इसकी वैल्यूज को आप सॉल्व करिए कैलकुलेटर से। मेरे पास तो आंसर है और मैं लिख देता हूं 3.68 × 10⁻³ मीटर आता है। लैम्डा है 3.68 × 10⁻³ मीटर। ये थ्योरेटिकली है लेकिन काम किससे चलेगा? एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इतना तो हो ही नहीं सकता है। प्रैक्टिकली हम इतना कम वेवलेंथ तो मेजर ही नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आप एंगस्ट्रॉम में जा सकते हो, -12 -13 तक पहुंच सकते हो। एक्सरेज का वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होता है तो आप वहां तक जा सकते हो। ठीक है, तो इतना कम हम प्रैक्टिकली नहीं मेजर कर सकते हैं। वैल्यू तो आ गई है, और अगर प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते हैं तो चीज हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है ना, यानी ये हमारे किसी काम का नहीं है, यानी जो माना है वो भी काम का नहीं। क्या माना है? माइक्रो पार्टिकल। तो माइक्रो पार्टिकल के साथ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ नहीं लगी होगी, या डी ब्रॉगलीज मैटर वेव नहीं लगी होगी। ठीक है, हम क्या बताएंगे कि ये वैल्यू वेवलेंथ की बहुत कम है जिसको हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द माइक्रो पार्टिकल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पहले इसको लिख लें कि बींग टू स्मॉल, टू मीन्स बहुत कम, दिस वेवलेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड प्रैक्टिकली। बहुत कम होने के कारण हम इस वेवलेंथ को प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आप कहोगे कार तो भाई बहुत बड़ी है, हम लोगों से बहुत बड़ी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमसे बड़े, यूनिवर्स से बड़ी थोड़े हैं। अब हम आपके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, आपके डायमेंशन के अकॉर्डिंग एक बॉल हमने ले लिया। क्या ले लिया? एक बॉल ले लिया, और उसके बारे में देखते हैं कि बॉल का क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो कंसीडर ए बॉल, ए स्मॉल बॉल। चलो छोटा पार्टिकल ले लिया, हैविंग मास। हमने मान लिया इसका मास क्या है, इक्वल टू 1 ग्राम, और हम किलोग्राम में चेंज कर लें क्योंकि हम एच रखेंगे, तो एच की वैल्यू जूल सेकंड में आती है। हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा न्यूमेरिकल का एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए, या तो सीजीएस या तो एमकेएस। तो ये ग्राम में अगर हमने माना है तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, मीन्स 0.01 इतना किलोग्राम। ठीक है, हैविंग वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बहुत कम माना क्योंकि अर्थ की वेलोसिटी 10⁴ में थी, तो इस वेलोसिटी को भी हम कम ही मान रहे हैं। हैविंग वेलोसिटी, हैविंग वेलोसिटी v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड।
देयरफॉर इट्स डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट्स डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ जो कि लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी है, वो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू पुट करिए, मास और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करिए, एच की वैल्यू क्या है 6.625 10 टू पावर माइनस 34, मास ने आपने ले लिया है, इसको हम 10 पावर माइनस 3 ही कर लेते, 0.001 केजी लिखो, या इसको और क्या लिख सकते हो 10 पावर माइनस 3 केजी, तो 10 पावर माइनस 3 ये m 1 हो जाएगा। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 पावर कम होगा और लैम्डा हो गया आपका 6.625 10 पावर माइनस 31 इतने मीटर हो गया, और ये भी बहुत स्मॉल है, हमने कहा नहीं माइनस 12 माइनस 13 तक तो चलेगा, इसके नीचे आप प्रैक्टिकली इतना कम वेवलेंथ मेजर नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिकली जो हम नहीं कर पाएंगे वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप बताओगे कि दिस वेवलेंथ इज ऑल्सो स्मॉल एंड कैन नॉट बी मेजर्ड प्रैक्टिकली। दिस वेवलेंथ इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड प्रैक्टिकली। ड्यू टू दीज टू रीजन्स मैटर वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द माइक्रो पार्टिकल्स, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, और भी रीजन है लेकिन दो पर्याप्त है। ड्यू टू दीज टू रीजन्स मैटर वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है, तो इसीलिए मैटर वेव्स माइक्रो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। तो जरा हम चेक कर लें माइक्रो पार्टिकल पे, माइक्रो पार्टिकल जैसे आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, सबसे आसान है, कंसीडर माइक्रो पार्टिकल, कंसीडर इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट्स मास, इलेक्ट्रॉन का मास तो ऐसे होता है 9.1 10 पावर माइनस 31 केजी, और इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हैं, देखो ये पॉइंट अगर यहां लेंगे तो यहां पावर एक कम हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, और 0.9 को अप्रोक्सीमेट करके 1 कर लेंगे, है ना, तो ये 0.91 10 टू पावर माइनस 30 केजी, ये अप्रोक्सीमेटली हम 10 टू पावर माइनस 30 केजी ही ले रहे हैं इसको सॉल्व करने के नियत से, ठीक है। हैविंग वेलोसिटी या इट्स वेलोसिटी हमने मान लिया, लेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसकी वेलोसिटी तो थोड़ी ज्यादा रहेगी माइक्रो पार्टिकल से, क्योंकि माइक्रो पार्टिकल वेलोसिटी माइक्रो के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। एग्जांपल भी हमने बहुत बार लिया है कि जैसे बॉडी हमारी क्या है, माइक्रो, माइंड क्या है, माइक्रो, बॉडी से जाना कहीं क्या है, टाइम लगेगा, लेकिन मन से कहीं जाना है तो बैठे बैठे आप कहीं भी हो आइए, ठीक है। तो जब माइक्रो पार्टिकल होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, हमने मान लिया 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, तो ये कितना हो गया 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट्स डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, इसका डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू जो है
H/MV वैल्यूज फटाफट पुट किया जाए, जो कि 6.625 10 टू पावर -34 अपॉन मास इसका है इलेक्ट्रॉन का 10 पावर -30, और वेलोसिटी हमने 10 पावर 5 मान लिया। ये सब सॉल्व करेंगे, आप खुद बताइए कितना होगा। -25 होगा, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, नहीं -25 होगा, हाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, जो कि एंगस्ट्रॉम में हो गया लगभग। ये हुआ 6.625 10 पावर -9 मीटर। तो ये अप्रोक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम में आ गया, और एंगस्ट्रॉम में ही तो एक्सरे का वेवलेंथ होता है, तो ये एक्सरे के वेवलेंथ के ऑर्डर में है, और इसको हम लैब में मेजर कर सकते हैं। यानी जब हमने माइक्रो पार्टिकल मान लिया तो इतना वेवलेंथ आया कि हम उसको लैब में मेजर कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली इसको मेजरमेंट किया जा सकता है। तो मैटर वेव माइक्रो पार्टिकल के साथ लगी होगी। तो इधर का मैं रफ कर लूं, फिर एक्सप्लेन करूं इधर। बिल्कुल, हमने कहा नहीं क्लास रूम वाली फीलिंग आपको आनी चाहिए, यानी कि वीडियो एडिट कर करके आपको केवल दौड़ाते रहे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कॉपी और पेन लेके भी बैठें और इसको नोट करते रहें, क्योंकि जब माइंड के साथ साथ हाथ भी चलेगा ना, तभी पूरा आपको लर्न होगा और तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो व्यूवर्स बढ़ाना और हाईलाइट करना बहुत ज्यादा हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस है कि जो लोग देखें वो सीख जाए, जितना मुझे आता है वो लोग तो सीख ही जाए कम से कम। तो क्या बताएंगे कि दिस वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। दिस वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, हेंस इट कैन बी मेजर्ड प्रैक्टिकली, दैट इज वाई That is why matter waves are associated with microparticles only. यही कारण है कि matter waves केवल केवल microparticle के साथ ही associated होंगी, क्योंकि माइक्रो पार्टिकल मान के जब हमने वैल्यूज कैलकुलेट किया तो हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अकॉर्डिंग आया, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अकॉर्डिंग है तो वो चीज वैलिड है, उसको लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा, और ये प्रॉपर्टी में भी आपके यूज होगा मैटर वेव के, कि पहली प्रॉपर्टी ही क्या हो जाएगी कि मैटर वेव माइक्रो पार्टिकल के साथ नहीं लगी होंगी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि मैटर वेव माइक्रो पार्टिकल के साथ लगी होंगी। लेकिन अभी इसमें मॉडिफिकेशन करना है कि माइक्रो पार्टिकल भी क्या होना चाहिए, मोशन में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम यही लिख लेते हैं, व्हाई मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड ओनली विद मूविंग माइक्रो पार्टिकल्स। व्हाई मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड ओनली विद मूविंग माइक्रो पार्टिकल्स। केवल केवल मूविंग माइक्रो पार्टिकल के साथ ही मैटर वेव क्यों लगे होंगे, रेस्ट में अगर पार्टिकल है तो क्यों नहीं लगे होंगे। ठीक, तो हम चेक करते हैं कि अगर रेस्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब कि जो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ आएगा वो कैसा आएगा, उसको हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, हमारी औकात में है कि नहीं। ठीक है, अगर निकाल पाएंगे तब तो रेस्ट में भी लगा होगा, और नहीं निकाल पाएंगे तो सीधे सरेंडर कर देंगे।
ठीक है, रेस्ट में एक पार्टिकल है तो मैटर वेव नहीं लगी हुई है। तो पहले हम इधर थोड़ा सा तैयार कर लें स्पेस, तब तक आप पुराना नोट करिए और सोचिए, इसी फार्मूले में ही आपका आंसर है। और एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी हो जाएगी कि जो मैटर वेव है वो माइक्रो पार्टिकल जब मोशन में होगा तभी उसके साथ एसोसिएटेड होंगी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एज इट इज ही आते हैं। तो पहले हम चेक कर लें, क्या चेक करेंगे कि सिंस डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा होता है एच अपान एम बी। तो ये चेक कर लें कि अगर माइक्रो पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो क्या होगा, क्योंकि तभी तो मान पाएंगे मोशन में। तो व्हेन माइक्रो पार्टिकल इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी वी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम वन लैम्डा क्या होगा, एच अपान एम इंटू जीरो, एच अपान जीरो मतलब इनफाइनाइट। अगर वेलोसिटी जीरो तो वेवलेंथ इनफाइनाइट, तो क्या हम इनफाइनाइट वेवलेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, हम तो मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग की अपनी एक लिमिट है फाइनाइट। इनफाइनाइट तो परमात्मा है, हम परमात्मा तो है नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम इस वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैटर वेव्स रेस्ट में पार्टिकल है तो उसके साथ नहीं लगी होंगी। तो दो ही ऑप्शन, रेस्ट और मोशन, तो कब लगी होंगी, जब पार्टिकल मोशन में होगा। सिंस दिस वेवलेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड, या इसमें एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, सिंस वेवलेंथ कैन नॉट बी इनफाइनाइट मेजर्ड प्रैक्टिकली, देयरफॉर मैटर वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद अ माइक्रो पार्टिकल एट रेस्ट। जब माइक्रो पार्टिकल रेस्ट में है तो मैटर वेव उससे एसोसिएटेड नहीं होंगी। और इसी का दूसरा पार्ट बिल्कुल इसको मान लेंगे कि मोशन में क्यों लगी होंगी, तो आप मान लेना कंसीडर, हम इसको नहीं मॉडिफाई कर रहे हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन मोशन। ठीक है, बिल्कुल इसके बाद यह एक्सप्लेनेशन देना है आपको। ठीक है, एकदम ऐसे लिख देना है, बस यहां मॉडिफाई कर लेना है क्या, कि दिस मीन्स मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद माइक्रो पार्टिकल्स इन मोशन। दिस मीन्स मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग माइक्रो पार्टिकल ओनली, माइक्रो पार्टिकल ओनली। जब मूविंग माइक्रो पार्टिकल है तो ही मैटर वेव उसके साथ लगी होंगी, अगर रेस्ट में है तो मैटर वेव उसके साथ लगी नहीं होंगी। ओके, तो मैं समझता हूं आज का लेक्चर इतना ही रखूं। हम सोचे थे प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ा देंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज कोई बात नहीं, हम पढ़ा ही देते हैं। ठीक, क्योंकि अब चूंकि इसका थंबनेल बन चुका है तो उसको भी हम ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव में। और प्रॉपर्टीज हो भी चुकी हैं, दो तीन प्रॉपर्टी तो इसी में हो चुकी हैं, इसमें जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। पहला कि मैटर वेव्स माइक्रो पार्टिकल के साथ नहीं लगे होंगे, किसमें लगे होंगे, माइक्रो के साथ, और माइक्रो में भी किसके साथ,
जब मोशन में है, मोशन में माइक्रो पार्टिकल है तो उसके साथ, तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ही आपकी क्या हो गई कि मैटर वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, किसके साथ, माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल के साथ मैटर वेव नहीं लगी होंगी, इसको अलग से लिख लेते हैं। पहली पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई क्या, मैटर वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद माइक्रो पार्टिकल्स, जो पार्टिकल लार्ज हैं जिनको हम डायरेक्टली देख सकते हैं उनके साथ मैटर वेव्स नहीं लगी होंगी। वैसे माना तो यह गया था कि माइक्रो और माइक्रो दोनों के साथ लगी होंगी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो माइक्रो के साथ डिटेक्शन में आया ही नहीं। कहना और होता है, करना और होता है, हमने कहा ना, कहना और है और करना और है, लेकिन जिंदगी किससे चलती है, जो हम कर पाते हैं। दूसरी बात क्या है कि मैटर वेव तब किसके साथ लगी होंगी, माइक्रो पार्टिकल्स के साथ, लेकिन माइक्रो पार्टिकल भी कैसी होनी चाहिए, इन मोशन। ठीक है, बिल्कुल यही बात लिखेंगे क्या कि मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद, यही सेंटेंस, मैटर वेव्स फिर से लिख लेते हैं, आर एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड विद मूविंग माइक्रो पार्टिकल्स ओनली, मूविंग माइक्रो पार्टिकल्स ओनली। मैटर वेव्स केवल केवल किसके साथ लगे होंगे, मूविंग माइक्रो पार्टिकल के साथ ही लगी होंगी। अगली बात क्या है, जरा हम चेक कर लें कि चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल में क्या रिलेशन है। तो एच लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, दैट इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या है, चार्ज से इंडिपेंडेंट, चार्ज नहीं है इसके मतलब। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का हमने निकाल लिया है, इलेक्ट्रॉन में मास से निकाला है, चार्ज से थोड़े निकाला है, चार्ज मान के चलते हैं तब भी आता है, ये हमने आपको पढ़ाया है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के डिफरेंट फॉर्म्स में। तो चार्ज के साथ भी मैटर वेव लगी होंगी और न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसके साथ भी लगी होंगी, दैट इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो इससे क्या होगा, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, आगे लिख रहे हैं इसको हटा के, कि मैटर वेव्स चार्ज पार्टिकल के साथ भी एसोसिएटेड होंगी एज वेल एज न्यूट्रल पार्टिकल के साथ भी एसोसिएटेड होंगी। क्या बताएंगे, दिस मीन्स मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल्स एज वेल एज न्यूट्रल पार्टिकल्स बोथ। चार्ज पार्टिकल के साथ भी लगी होंगी और न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसके साथ भी लगी होंगी। और ये जो वेव है मैटर वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल केवल चार्ज के साथ लगी होगी। जो आपकी लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो ये केवल चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन मैटर वेव्स चार्ज और न्यूट्रल दोनों से ही प्रोड्यूस होती हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
ठीक है, दीज वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या है, एज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, देयरफॉर पहली बात क्या है, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एम, द ब्रॉकली वेवलेंथ क्या है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसके मतलब अगर मास बढ़ेगा तो डी ब्रॉकली वेवलेंथ घटेगा, यानी हैवियर पार्टिकल के लिए डी ब्रॉकली वेवलेंथ कम होगा। दिस मीन्स हैवियर पार्टिकल्स हैव स्मॉलर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एंड बी में क्या है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बी, एच तो कांस्टेंट हो गया ना, तो इसके मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, अब फास्टर मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल मूविंग फास्टर हैज स्मॉलर डी ब्रॉगली में, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा। दिस मीन्स माइक्रो पार्टिकल मूविंग फास्टर हैज स्मॉलर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ठीक है, ये दो बातें, और एक बात आपको और लिख ले, एक बात और लिख लेते हैं, और वो बात क्या है कि जैसे हम लोगों ने निकाला है फेज वेलोसिटी मैटर वेव का, वैसे फेज वेलोसिटी होती नहीं है, ठीक है, वो फेज वेलोसिटी क्या आई, लाइट वेलोसिटी से ज्यादा आई, बट प्रॉपर्टी में तो आता ही है, और ग्रुप वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल के वेलोसिटी के इक्वल है, ये सब निकाल चुके हैं हम लोग, इसलिए मैटर वेव के बहुत दिन बाद हम इसको पढ़ा रहे हैं कि पहले इन सब चीजों को क्लियर कर लें फिर प्रॉपर्टी दिखाएं, तब तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर रटना सा हो जाएगा ना। तो दो चीजें हम लिखते हैं, पहली बात क्या है कि फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव, एक पॉइंट आपका सिक्स हो जाएगा कि द फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव वीपी ऑफ मैटर वेव इज greater than the velocity of light, ठीक, see vp greater than c, और दूसरी बात क्या हो जाएगी कि जो group velocity meter wave की है वो particle के velocity के equal होगी, जो हम prove भी कर चुके हैं, दोनों चीजों को हमने prove भी किया है और ये property में भी है, और ये दूसरी बात सत्य है क्योंकि matter waves ग्रुप ऑफ वेव्स ही है, तो द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इज वीजी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी, vg इक्वल टू वी, हमने प्रूव भी किया है, तो इतनी प्रॉपर्टीज मोर देन एनफ है, और ये क्वेश्चंस हो गए मैटर वेव पे, इतना ठीक है आपका, आज का लेक्चर यहीं बाइंड अप करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में डिफरेंस पढ़ेंगे, बहुत छोटा लेक्चर होगा वो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आता है तो उसको भी किया जाए, आज पढ़ाएंगे तो लेक्चर ये लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको रोक रहे हैं हम, अभी छोटे छोटे पार्ट में चलते हैं, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे, ऑल द बेस्ट।